पटना नगर निगम के कर्मचारी कई दिनों से अपनी 1100 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल पर जाने से पूरे शहर में कचरे का अंबार लगा हुआ है। ये मुसल्लापुर का इलाका है जहां विद्यार्थियों का प्रतिदिन जमघट लगता है। कचरा पहाड़ का रूप ले चुका है, राहगीरों का आना जाना मुश्किल है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राजधानी की सफाई व्यवस्था ठप हो गई। कुछ गाड़ियां कूड़ा उठाव के लिए चलाई गईं, लेकिन घरों से उठाकर लाए गए कूड़े को सड़कों पर बिखेर दिया गया। इसके अलावा राजधानी के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए टेम्पररी कूड़ा पाइन तक लोगों ने कूड़ा पहुंचाया। दोपहर तक कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कराने को लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं होने के बाद चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों ने सड़कों पर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। बोरिंग रोड चौराहा, बोरिंग केनल रोड, एसके पुरी क्रॉसिंग पर भारी मात्रा में कूड़ा बिखेर दिया। बेरी रोड व डाक बंगला चौराहा के आसपास भी कूड़ा फैला हुआ है। सफाई कर्मियों ने सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से ठप रखने का दावा किया है। कर्मियों ने मौर्यालो कॉम्प्लेक्स स्थित मौर्य टावर के पास पहुंचकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार अपना आदेश वापस नहीं लेती है, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर हमारी सेवा को खत्म करने की साजिश हो रही है। नगर विकास मंत्री केवल आश्वासन देने की बात कर रहे हैं। हमारे स्थायीकरण की मांग को सरकार पूरा करें।